कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक नए टाइप का फ्रॉड है मार्केट में, अभी अभी नया नया आया। इसमें क्या चल रहा है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग के नाम पर जॉब दे रहे हैं, यानी कि आप लोगों से डीमेट अकाउंट ओपन कराइए या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, या फिर बैंक अकाउंट ओपन कराइए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आपको उसके एवज में, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि एक फिक्स सैलरी आपको मंथली मिलेगी या कुछ एवरेज इंसेंटिव के तौर पर आपको दी जाएगी। पहले कॉलर की जॉब बताते हैं कि घर बैठे बैठे आपको ये है, वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। तो इसमें क्या फ्रॉड है और कैसे ये लोग कर रहे हैं, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो देखिए, मैंने अभी तक 7 से 8 फ्रॉड जॉब के नाम पे जो चल रहा है फ्रॉड, उनके नाम पर मैंने सारी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो किस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं नौकरी के नाम पे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है देश में, तो इसके नाम पे जो है बेरोजगार लोगों से ठगा जा रहा है किस तरीके से। तो चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है और किस तरीके से ये ठगा जा रहा है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि ये हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको चाहें तो जाकर आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको एक से बढ़िया एक आपको कंटेंट मिलेगा और अलर्ट भी रहेंगे फ्रॉडस्टर कंपनियां हैं या जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग बाग उनसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बस एक ही है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास पहले एक कॉल आया, ठीक है, एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने कहा कि भाई आप क्या क्या किए हो। तो मैंने अपनी ये क्वालिफिकेशन लिख के भेज दी कि भाई ये किया हूँ, ये ऐसी ये झोटी है, ठीक है, ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने ऐसे लिख के भेजा, क्योंकि मुझे मालूम रहता है। देखो, मैं क्योंकि 7 से 8 मैं फ्रॉड वाली कंपनी, फ्रॉड जॉब के नाम पे जो ठगी चल रही है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कौन किस तरीके का ठगबाज है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि आप कैसे पहचाने। तो मैंने ये लिख के भेज दिया, भैया ये है ये है, ठीक है। इसने ना मेरा रिज्यूम मांगा ना कुछ मांगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसने ये भेज दिया कि आपकी जो है ट्रेनिंग है ICICI डायरेक्ट की और आप जो है ये गूगल मीटिंग पे आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद ये कोड डाल दीजिएगा। तो वहाँ पे मैंने गया, भाई 4 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं गया 4 बजे और मैंने ज्वाइन की। तो अब वहाँ पे जाके उनने फिर बताया कि क्या क्या करना है, क्या क्या आपकी सैलरी रहेगी, कैसा आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा, ये सारी चीज़ें बताई। फिर इनने उसने कहा कि मैंने जो भी आपको बात बताई है वो जाके अपने HR को बता दीजिए, यानी कि इसको बता दीजिए, जो भी मैंने इस गूगल मीटिंग में सीखा, जो भी उसने बताया, उसने कहा कि अपने HR को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने मीटिंग कर ली है और मुझे लिंक भेज दें। मैंने लिख के भेज दिया, भाई ओके सर, आई वांट अकाउंट ओपनिंग लिंक एंड मैंने मीटिंग पूरी कर ली है। तो इसने जो है ये वाला लिंक मेरे को भेज दिया। अब देखिए दोस्तों, बात कहाँ पे आई, यहाँ पे देखिए ये ICICI का तो लोगो लगाया हुआ है, ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग करा रहा है 5 पैसा में। अब देखिए, तो यहाँ पे ही इसकी चोरी पकड़ गई। पहले तो मैंने शुरू में ही पकड़ लिया, तो ये बहुत कच्चा खिलाड़ी है, एक तरीके से मैं कहूँगा चूतिया कहूँगा उसको, ठीक है, एकदम से नालायक और गधा एक नंबर का, जिसको फ्रॉड करना भी नहीं आता, तो उस तरीके का आदमी है। तो इसने 5 पैसे का लिंक भेजा है और डाला है ICICI डायरेक्ट के नाम से, फोटो वोटो लगा रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसने मीटिंग में क्या बताया कि आपको लिंक भेजेंगे, लिंक पे जाके आपको अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अब वहाँ पे आपको जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे उसमें लॉग इन करेंगे और लॉग इन करते ही आपको जो है कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी और वो आपको रिसीव करनी है और रिसीव करके आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आपकी 6 आवर की जो है वो वर्क रहेगा और 6 घंटे आप कैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से उनने बताया, और उसके एवज में आपको जितनी भी पैसे बनते जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो वीकली ले सकते हैं, यानी वीक में भी कितने रुपए बन गए आपके, जितने भी रुपए बनेंगे वो आप ले सकते हैं, या मंथली आपकी सैलरी फिक्स्ड है तो वो भी ले सकते हैं, इस तरीके से उसने बताया। तो भाई ये फ्रॉड कर कैसे रहा है, देखो मैं इतना गया नहीं मैंने अकाउंट, क्योंकि अपनी पर्सनल डिटेल किसी को देना भी गलत है। तो कहीं भी आप अपना आधार, क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए 3 चीज़ें सबसे मेन रहती हैं, क्या, आधार, ठीक है, आधार के साथ मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए और आपका पैन कार्ड नंबर, और एक तरीके से मानिए कि ये डेटा का पूरा DNA है, ठीक है, आपका जो आज का जो ब्लड है ना वो है आपका डेटा, और डेटा का DNA है यही आधार और पैन कार्ड इंडिया में। तो ये देना मतलब अपनी मुसीबत खड़ी करना एक तरीके से। तो ये देने से पहले आप 10 बार सोचा कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ओपन नहीं किया। अब देखो यहाँ पे इनकी चालाकी क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिंक भेजा है भाई 5 पैसे का, और 5 पैसे का ये रेफरल लिंक है, ठीक है। अब ये रेफरल लिंक में क्या होगा कि भाई मैं इसमें अकाउंट ओपन करूंगा तो इन्हें पैसे मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे अकाउंट ओपन करने के, भाई 350
आप जैसे जानते हैं कि अकाउंट ओपन करने के रिफरल के आपके रुपए मिलते हैं, रिफरल के कितने मिलते हैं, किसी को 350 मिलते हैं, 400 मिलते हैं, कहीं कहीं तो 1100 रुपए भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये ओपन कराते हैं और ओपन करा के रिफरल लिंक ले लेते हैं और वहाँ पे आपको जो है लॉग इन करते हैं, वहाँ पे आपको कॉल तो आते हैं ठीक है, और महीना पूरा हो जाने के बाद आपको भैया आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे या फोन नंबर नहीं लगेगा या कुछ और हो जाएगा, ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं गारंटेड। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके के फेस करेंगे तो आपको लगेगा भैया कि एक महीने मैंने फालतू में इस चीज में खपाया और कसम से तो वहाँ बहुत गिल्ट फील होगा, तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा संभल के रहिएगा इस फ्रॉड से। दोस्तों आपको साथ के साथ बता दूं कि क्राइम हो गया हो जिसमें फाइनेंशियल आपको नुकसान हुआ हो या कोई धमकी दे रहा हो, तो उसके लिए साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट है, साइबर जो क्राइम हो जाता है उसकी कंप्लेंट है, वो आप कैसे करें, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि साइबर क्राइम की आपको रिपोर्ट कैसे करनी है। तो इसमें ऑनलाइन धमकी देना, ब्लैकमेल करना, बैंक से पैसे उड़ाना, ATM से पैसे चुराना, ऑनलाइन जॉब से ठगी करना, तो इस तरीके का अगर कोई भी आपके साथ करते हुआ हो तो आप उसकी जो है कंप्लेंट कैसे करेंगे साइबर क्राइम पे। देखो पैसे चले जाते हैं ना ऑनलाइन में, रिकवर नहीं होने के चांस 90% होते हैं, खाली 10% चांस होते हैं कि आपके पैसे रिकवर हो जाएं। लेकिन आगे आपके साथ ऐसा ना हो और उस जो ठग है, ठग को आपको नुकसान पहुंचाना है या वो आपको धमकी दे रहा है, तो उसके लिए आपको ये साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और नहीं तो उस ये भी हो सकता है कि उसका आगे परिणाम आपको और भयंकर भुगतना पड़े और आपको नुकसान हो जाए, तो उसके लिए भी आपको साइबर क्राइम की ये रिपोर्ट जरूर करना। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड चल रहा है मार्केट में डीमैट अकाउंट के रूप में और बैंक अकाउंट हो गया ठीक है, या कोई फैंटेसी लीग होती है उसमें आपको जो है वो लॉग इन कराएगा, रिफरल लिंक देगा, इस तरीके के आपको फ्रॉड चल रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहें, आपकी जो सबसे मेन जानकारी है, जो मेन आपका डेटा है, वो अनजान आदमी को इतनी आसानी से नहीं दें ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको ये ऑडियो और भेजिए, ऑडियो और सुना देता हूँ क्या भेजा है। वीडियो देख करके अकाउंट ओपन करना है ओके ठीक है ना, ये वीडियो हमने भेज दिया साथ में और इसको देख के जो है मुझे अकाउंट ओपन करना है। और यहाँ पे एक और ऑडियो भेजिए, वो क्या भेजिए वो देखिए, वो सुनिए। अकाउंट ओपन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ओके। जो है ऑफिशियल नहीं लग रहा, जिस तरीके से ICICI बैंक वाले बोलते हैं ना उस तरीके की तो आवाज लगी नहीं रही, ये गांडू है एक तरीके का, गांडू मैं गाली नहीं दे रहा, गुजराती में पागल को बोलते हैं ठीक है। बेरोजगारी वाकई में बहुत है, तो इस चीज के बहकावे में ना आए ठीक है, रोजगार है लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना भी जरूरी है ताकि आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। इसी तरीके की मैंने फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम हो गई थी एक बंदे को, जिसमें 2 लाख रुपए की ठगी कर ली थी और उसके बाद मेरे को कमेंट आया था कि सर इस तरीके से बात है, तो वो आपको वीडियो देखेंगे तो कमेंट में जाके आपको मिल जाएगी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।